वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई एस्पिरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ नई वीडियो के साथ में, जिसपे हम रिएक्ट करने वाले हैं केडी भाई के और साथ में अक्की आर्यन भाई हैं और ये माँ सॉन्ग है। और ब्रैकेट में इन्होंने पता नहीं क्यों लिख रखा है यार ये पूर्ण विराम। अभी पूर्ण विराम का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी ज़्यादा देर नहीं करते, ये माँ के ऊपर गाना होने वाला है तो डेफिनेटली तुम्हारा भाई इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मेरे को डे वन से सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आई डोंट हैव अ पेरेंट्स, मतलब मेरे घर वाले नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाऊंगा। और शाउट आउट टू अवनीश भारद्वाज भाई को, जिन्होंने ये गाना सजेस्ट करा है और उन्होंने भी बोला कि इमोशनल हो जाओगे भाई। तो मैं वैसे इमोशनल होने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर स्टिल भाई ने सजेस्ट करा तो भाई ये गाना सुनते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को एंड लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो टिल देन लेट्स गो, हेडफोन्स लगा लेना, ठीक है, सुनते हैं, लेट्स गो। तीसरी रॉक प्रेजेंट्स भाई। ये मैंने जिया है भाई, मैंने लिटरली जो दिख रहा था ना अभी, जो सेम दिख रहा था वो मैंने 6 साल की उम्र में फेस करा अपनी। मेरे को रोंगटे भी आ गए, इमोशनल भी हो गया मैं भाई। अगर ये ऐसा होने वाला तो डेफिनेटली भाई आज मेरे आंसू निकलेंगे। पर बेटा, पर क्या काका, पर माँ तो क्या रामू काका। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहला तेरी याद फिर राम आवे। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे, पहला तेरी याद फिर राम आवे। मन बेरा तन मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी किते ते तेरे काम आवे। तू ना जो कवे तो मेरी ना से, हाँ जो कवे तो मेरी हाँ से। जिसकी मैं बात कोई टाल को नहीं सकता वा, और कोई को न मेरी माँ से। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाम। माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्दा की, माँ पे आ जावेगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाम। माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्दा की, माँ पे आ जावेगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाम। माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्दा की, माँ पे आ जावेगा पूर्ण विराम। यहाँ पे जैसे जो गा रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा पूर्ण विराम का मतलब ये है कि पूर्ण जन्म, मतलब दोबारा से जन्म देना शायद भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ तो मुझे बताना। बाकी तो यार इमोशनल कर रहा है गाना, बट स्टिल सुनते हैं, लेट्स गो। ल
लियाई धरती पे दुनिया दिखाई तन्ने तेरे दिए चाले मेरी सांस माँ गोदी में सुलाया तन्ने काल जी कलाया तन्ने याद से ये सारे एहसास माँ होत खड़े तेरे एहसान से मेरे ताई तू भगवान से और की जुमन कोई जान ना बनाए माँ कल तू है बस मेरी जान से हो पूजे भाई ये तो मैं जी नहीं पाया। और यार तुमने सही बोला था, मैं हो जाऊंगा इमोशनल क्योंकि मैं तो जी नहीं, क्या बोलूं, छोड़ो यार। तू भगवान से और की जुमन कोई जान ना बनाए मां कल तू है बस मेरी जान से हो पूजे मुहूर्त पत्थर की मस्जिद जाऊं घर में मेरे भगवान रवे घर में मेरे भगवान रवे घूम लियो सारे जहान में पढ़ लियो गीता कुरान में माँ का जो केडी ने बताया किरदार वाए सेम बात अल्लाह भगवान में बिल्कुल सही बात है। भगवान देखो भगवान को मानना चाहिए, पर अगर आप भगवान की इज्जत कर रहे हो, भगवान को मान रहे थे ज़्यादा और अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो भगवान भी खुश नहीं होंगे, ये बात सच है। तो भाई पता है मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जिन्होंने खोए होते हैं ना, मेरे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मुझे पता है उनको खोने का दुख क्या होता है। बाकी सब सिर्फ बात कर सकते हैं कि भाई हमें पता है क्या फील होता है ये वो, बट दे कांट अंडरस्टैंड योर पेन, मतलब उन्हें नहीं समझ आ सकता आपका पेन कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आपको क्या नीड है क्या नहीं है। दैट इज़ ट्रू, मतलब ये फैक्ट है जो जिस पे बीतर, मतलब पता क्या है, जिसके साथ हो रही होती है या जो उस चीज़ सिचुएशन से निकला होता है ना, सिर्फ उसे ही पता होता है कि उसका पेन क्या है, सिचुएशन क्या है, वही समझ सकता है। बाकी सब सिर्फ बातें करते हैं भाई, तो बस यही बोलूँगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, क्योंकि अगर एक बार तुमने खो दिए तो तुम पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे, इससे अच्छा है अपने माँ बाप का ध्यान रखो और अपने माँ बाप की इज्जत करो और माँ बाप को प्यार दो और उनको एक अच्छी लाइफ दो यार, डिजर्व करते हैं क्योंकि वो। आई डोंट हैव पेरेंट्स बट आई हैव सम पीपल इन माई लाइफ, और कहते हैं ना कि पैदा करने वाला कोई और होता है, पालने वाला कोई होता है, तो मेरे पे एक मेरे अंकल आंटी हैं, तो फॉर मी दे आर लाइक माई पेरेंट्स, सो बट स्टिल यार वो तो होता है ना कि माँ तो माँ होती है तो याद आ जाती है, वो वाला सीन है। पर भाई चलो गाना सुनते हैं, मैं कहाँ चला गया, अपनी बताने लग गया, छोड़ो। जब पहली बार बोलन की करी शुरुआत मन्ने देखे चला के जुबान और दांत मन्ने नन्हे से होठ में बोले थे माँ माँ के अलावा न करी कोई बात मन्ने याद मन्ने आज भी वो गोदी का पालना धरती तक ऊपर जो पंछी का आलना तेरे ते सीख्या से जीण का तरीका माँ तन्ने सिखाया था बोलना और चालना एक बार बचपन में फिर तेले चाल मन्ने फिर वह दुनिया दिखा दे न माँ कई साल तक चैन सु मैं सोया ना सुकून ते काल जे के लाके सुआ दे न मां रिगा दे न मां मैं मिट्टी। भाई जो ये देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो, ये सोना तरस गया भाई, मतलब तरस गया इस चीज के लिए, तो नहीं बोला जा रहा भाई, अब तुमने रुला दिया मेरे को आज।
भाई इस चीज के लिए तो मैं तरस गया हूँ, जो ये दिख रहा है ना अभी फ्रेम में, ये जो चीज है, क्योंकि नहीं आती यार सुकून वाली नींद ही नहीं आती, कुछ नहीं आता, मतलब बस लगे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। माँ की गोद में सुकून से सोने के लिए नसीब ही नहीं हुआ, मतलब बचपन से ही नसीब नहीं हुआ, 6 साल की उम्र से। काश काश कुछ टाइम और मिल जाता तो सब सही हो जाता। काश फिर तेले चार मन फिर वाए दुनिया दिखा दे न माँ, कई साल ते बेचैन सु मैं सोया ना सुकून ते काल जी के ला के सुआ दे न माँ, रिगा दे न माँ मैं मिठी सी लोरी तू सुना वे कहानी कई साल ते लकोरी, तू बोल मेरी गेला माँ फोटो ते बारा के मेरी किसे बात ते नाराज तो नहीं हो रही, मेरी किसे बात ते नाराज तो नहीं हो रही। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाँव, माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाँव, माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाँव, माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ मेरा गाँव, माँ ते हुई थी शुरुआत मेरे शब्द की, माँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। बहुत प्यारा गाना, ये किन की मदर है, सुनहरी देवी, और इधर वाली आंटी जी का नाम नहीं दिख रहा, पर ओम शांति और इनकी आत्मा शांति मिले। ये भाई मेरे को नहीं पता किन की, मतलब किन की माता जी की फोटो है ये दोनों, तो मुझे वो भी बता देना ठीक है। पर शायद ट्रिब्यूट दिया है इन्होंने ना, भाई देखो शायद मैं गलत हूँ भी हो सकता हूँ इस चीज़ पे, ये क्या नाम है भाई का दूसरा वाले, अक्की आर्यन जिनका नाम है, या उन मतलब किसी ना किसी की मम्मी की फ़ोटो है ये, मुझे वो कमेंट करिए तो मिलो बताना, मैं नहीं बोलना चाहता कि किसकी मम्मी की फ़ोटो है भाई, क्योंकि मैं तो जीता हूँ तो मुझे तो पता है कि भाई ना हो, भगवान सबके माँ बाप को बहुत लंबी उम्र दे और खुश रखे उन सबके माँ बाप को, मैं तो ये कहता हूँ। और भाई उन बच्चों को भी, उन पालकन को भी कहता हूँ भाई कि भाई अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी मतलब उनकी फिक्र करो, क्योंकि भाई वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देते हैं पर तुम उनके लिए ना इतना सा भी नहीं करते, मतलब 1% नहीं करते देखा जाए तो, पर वो स्टिल अगर तुम इतना सा भी कर दोगे ना उनके लिए, वो बहुत खुश है तुमसे, करके देखना खुश है। और अपने पापा को गले लगा के देखना, कभी अजीब लगेगा पहले उन्हें पर तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा, और उनसे पूछना कभी बैठ के, भाई देखो मैंने तो नहीं जिया पर मुझे पता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ यार कभी होते तो मैं भी कैसे बात करता, पर सच में रुला दिया। अवनीश भारद्वाज भाई तुमने जो बोला था वो हो गया, क्या बोलूँ यार, माँ से बड़ी चीज़ है ही नहीं इस गाने के बारे में, क्या बोलूँ, ये गाना नहीं है, ये इमोशंस हैं जो रखे गए हैं और प्रेजेंट करे गए हैं गाने के तौर पे, तो गाना बहुत प्यारा है भाई, और लोगों ने सुना है, लोगों ने प्यार दिया, और मैंने अब सुना है तो भाई बहुत प्यारा। केडी भाई, अक्की आर्यन भाई को बहुत प्यार, उन्होंने इतना प्यारा गाना बनाया ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं इस गाने के बारे में, क्योंकि इस गाने के बारे में बातें नहीं करना, इसको फील करने वाला गाना है ये, फील करो आप लोग, आप सुनो और फील करो बस, ये इस गाने में और कुछ नहीं है, आप गाना सुनो और फील करो और महसूस करो उस पेन को, उस दर्द को, और वीडियो देखो साथ में, कि अगर स्टेज पर आते तो आप हिल जाओगे, मतलब आप अगर आपके किसी के पेरेंट्स को ऐसा ना हो, अगर होता है तो आप हिल जाओगे पूरे, कि नहीं 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 हो जाए सही हो जाए, बट
वो स्टेज पे आके हिलना क्यों है जब आपके पास टाइम है, अभी अभी टाइम है कि मतलब अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, तो रखो भाई। वो स्टेज तक पहुँचने ही मत दो ना कि आपको ऐसा हो जाए कि भाई भगवान मेरे मेरे माँ बाप को बचा दो, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब नहीं हो कि जब आपने इज्जत करनी थी करी नहीं और आप बोल रहे हो कि बचा लो मैं सब चीज़ें सुधार लूँगा, तो अभी सुधार लो, ठीक है, बस यही बोलूँगा। और अपने माँ बाप का ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ लास्ट में कि अपना भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम अपना ध्यान रखोगे तभी फैमिली का ध्यान रखोगे, फैमिली खुश तुम खुश लाइफ खुश ब्रो, सिंपल। तो बस यार ज़्यादा बातें हो गई, मतलब अब नहीं बोल सकता भाई मैं इस गाने के बारे में और कुछ, बस अब ख़त्म करते हैं, ठीक है, यही था मेरा रिएक्शन। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया उसके लिए पहले तो, और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी और कहाँ से कहाँ रिलेट करते हो आपसे मुझे बताना, ठीक है, आपको कौन सी लाइन ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी क्या लगी, क्या चीज़ लगी वो बताना मुझे कमेंट में। आप ये लोग ये तो बताते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी, ये भी बताना कि आपको रिएक्शन में और इमोशंस में क्या फील होता है गानों में, वो भी बताना, ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। बाकी तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, वीडियो को सपोर्ट करो गाइस मुझे, ठीक है, बाकी तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है, अपने माँ बाप का ध्यान रखो भाई, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम तो जी रहे हैं तो हमें पता है, तो ठीक है, ध्यान रखो अपने माँ बाप का और अपना भी, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट।